नमस्कार, अपने हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सुक्खू सरकार पर निशाना देखा गया है। गांधी जयंती पर सरकार ने 1850 लोगों की नौकरियां छीनी है। कोरोना योद्धा के साथ धोखा किया गया, ये राजीव बिंदल की ओर से क्या कहा गया है, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सरकार ने बेरोजगार युवकों को यहां पर धोखा दिया है, झूठी गारंटी को देकर सत्ता में आई है कांग्रेस सरकार। ये राजीव बिंदल की ओर से लगातार कई बयान निकलकर के सामने आ रहे हैं। 10 महीने में नाम मात्र रोजगार दिया गया, 10 महीने में करीब 4000 कर्मचारी हटाए गए। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सुक्खू सरकार पर एक बार फिर से यहां पर राजीव बिंदल बरसे हैं, एक बार फिर से उनकी नाराजगी सामने आई है। बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई, 1,00,000 बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों ने परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा करती कि जहां 1,00,000 नौकरियां देने का पहले साल के अंदर, पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था, वो पूरा करें। 2 अक्टूबर को देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी आज भी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए। हाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जिस जीवन को जिया, सबको साथ लेकर के चलने का और हे राम कह करके अंतिम समय जाने का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी की बीड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियाँ हैं। वहीं चार तस्वीर देखिए, जहां गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग तरीके से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला लाहौल स्पीति के करीब 1470 फुट की ऊंचाई पर डेमुल गांव में भी महिलाओं ने स्वच्छता के सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई की और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने वाली अफवाह इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक में शब्दों में कहा है कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का था और हमेशा रहेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी अफवाहें केवल कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए फैलाते हैं। मैं भी और यहां पर भी अपने संसदीय क्षेत्र में हिमाचल के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, हिमाचल की मदद करते रहे। और मैं कहां जा सकता हूं जहां चार बार जनता ने इतना आशीर्वाद देकर जिताया, आज मैं कुछ भी हूं तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के कारण हूं। अनुराग ठाकुर की पहचान आज देश और दुनिया में है तो मेरे यहाँ के मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के कारण है, और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ जी। इसलिए कोई ये कहे कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वो संभव ही नहीं है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था, है और रहेगा। नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा उत्सव शुरू हुआ, इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं तो कभी जातीय समीकरण की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दलों के पास ना तो नेता है और न ही कोई नीति है। मैं इतना ही कहूंगा, कुछ दल ऐसे हैं कि कभी वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। महिला आरक्षण बिल 27 साल से लंबित था और कांग्रेस कभी उसको मंजूर नहीं करवा पाई। यहां तक कि जब राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आए तब भी महिला आरक्षण नहीं पास हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकारें रही इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी की सरकारों तक, क्यों नहीं दिया गया? क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? और जब कांग्रेस बिल लाई तब वो बिल फड़वा दिए गए अपने सहयोगी दलों के द्वारा। क्या क्या दृश्य ने संसद ने उस समय देखे थे? ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश की 50% आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल इसको पास किया। मंडी जिला में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के कारण जहां लोगों को घरों से बेघर होना पड़ा तो वहीं इस बारिश के कारण बहुत से किसान भी प्रभावित हुए। मंडी जिला की बलघाटी के किसान के पास तो अब खेती करने के लिए जमीन भी नहीं बचा है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। बलघाटी के डंडौर और सियोली गांव के किसानों ने बताया कि 12, 13 और 14 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण सुकैती खड्ड का जलस्तर बढ़ गया। इस खड्ड में बीबीएमबी प्रबंधन की ओर से भारी मात्रा में सिल्ट फेंकी गई थी। जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो ये सिल्ट और पत्थर भूमि कटास करते हुए इनके खेतों में जा घुसे, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से मदद करने की यहां पर गुहार भी लगाई है। ये जो बरसात पड़ी, बहुत ज्यादा बरसात पड़ी और यहां से जहां हम खड़े हुए हैं यहां एक प्रोटेक्शन वाल लगी हुई थी, वो उसके ढहने से सारा जो पानी लोगों के फर्टिलाइजर जमीन में आ गया और सिल्ट सिल्ट पड़ गई, 4-5 फुट सिल्ट पड़ गई और पत्थर। सारी बीएमबी की वजह से आए जो पहली जुलाई से छोड़ते हैं इधर, और ये खड्डे तो सारी सिल्ट से भर गई और इसलिए हमारे खेतों में तो सारे ये गट्टे गट्टे पड़ गए। हमारे विधायक वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पर, वो जब भी आते तब उन्होंने वोट मांगने होते हैं। अब कोई नहीं आया जी हमारे पास, ना पटवारी ना कोई भी सरकार का आदमी कोई नहीं आया जी। इसलिए हम प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं कि हमारा विषय में सहयोग करें, मतलब आगे के लिए भी फसल इसमें खेतों में बीजी नहीं जा सकती है, उपजाऊ जमीन थी सारी खराब हो गई। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो खड्ड है हमारी उपजाऊ जो भूमि है उसमें आ रही है, तो इसका इसके लिए डंगा या क्रेट वगैरह लगाने की कृपा करें। चंबा में दिनों मेलों का सीजन जारी है, जगह जगह कई तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंबा के तहत आने वाली बखी में दंगल मेले का आयोजन किया गया। इस दंगल मेले में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर लोकल और बाहरी राज्यों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, कई और करतबों के जरिए भी उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया।
तो चंबा में ये मेलों का सीजन जारी है। लगातार यहाँ पर कई तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कई जगह से बंगी में दंगल मेले का आयोजन किया गया। कई लोग यहाँ पर, पहलवान यहाँ पर इस मेले में शिरकत करने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चंबा में पहलवानों ने अपना दमखम भी दिखाया है। ये रुक करेंगे खबरों की। आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के बीच का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। सुरक्षा कर्मियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण वो अपनी मांग समय समय पर उठाते रहते थे, जिसके चलते पिछले दिनों अन्य शोषण के खिलाफ भी सुरक्षा गार्ड्स ने आवाज उठाई थी। इसी दौरान कंपनी का नया टेंडर बहाल किया गया, जिसमें नई कंपनी ने 31 गार्ड को निकाल दिया जो कि पिछले 15 सालों से कंपनी में सेवाएं दे रहे थे। इसके विरोध में सभी सुरक्षा गार्ड खड़े हुए और प्रशासन का जमकर यहां पर विरोध किया। यही नहीं, आने वाले समय में भी एक बड़ा आंदोलन एजेंसी भी चलने की यहां पर चेतावनी दी गई है। अधिकारी चलाते रहते हैं समय समय पे, और हमारे सरकार के द्वारा भी, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा भी ये जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो व्यक्ति या मरीज सिर्फ एक IGMC का ना रुक करके अपने नियर बाय जो भी सरकारी संस्थान है या जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर उनके पास हैं उनको संपर्क करें और तुरंत अपने लक्षणों को दिखाएं, तो निश्चित ही इस पर बचा जा सकता है अगर उनको सर्टिफाइड प्रॉपर मेडिकेशन उपलब्ध हो। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। स्वच्छता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। शिमला में MC ने सफाई मित्र कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके साथ। मेयर सुरेंद्र चौहान ने अध्यक्षता की है इस आयोजन का। नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया है। गांधी जयंती के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर सुरेंद्र चौहान ने की है। तो वहीं आपको बता दें कि नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। शिमला MC ने सफाई मित्र कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए यहां पर लोगों को जागरूक किया गया है स्वच्छता के प्रति। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को यहां पर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। नुक्कड़ नाटक के जरिए यहां पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से की जा रही है। तो गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शिमला में। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो गांधी जयंती के मौके पर, स्वच्छता दिवस के मौके पर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिमला MC ने सफाई मित्र कार्यक्रम यहां पर आयोजित की है। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में ये इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यहां पर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो शिमला में नुक्कड़ नाटक के जरिए यहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। स्वच्छता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है स्वच्छता के प्रति, ताकि अपने देश प्रदेश को यहां पर लोग स्वच्छ बनाए, सुरक्षित बनाए। रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस की ओर। प्राकृतिक खेती को अपना रहे प्रगतिशील किसान, फसलों के उत्पादक और गुणवत्ता को दे रहे बढ़ावा, प्रति माह कमा रहे 20,000। NTF पोलो टीम को मिली बड़ी कामयाबी, नूरपुर के युवक से पकड़ी 380 ग्राम चरस की खेप, NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
एसबीआई सोलन ब्रांच का मानवीय प्रयास, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन को डोनेट की 5 व्हील चेयर, सोलन ने जताया ब्रेक का बैंक का। सोलन जिले में फिर बढ़े टमाटर के दाम, 5000 प्रति क्रेट के हिसाब से बिका टमाटर, स्थानीय दुकानदार मंडी से खरीद रहे टमाटर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों का किया गया सम्मान, स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, 20 से 25 बुजुर्ग रहे मौजूद। असम राइफल्स एक्स सम्मान रैली का किया गया आयोजन, एसडीएम मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह के बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, देशभक्ति के गानों को दी गई श्रद्धांजलि। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 1 घंटे का श्रमदान, नगर पालिका नाहन में शहरवासियों से श्रमदान की अपील, प्रधानमंत्री की अपील पर किया जा रहा श्रमदान। पोषण माह का हुआ समापन, पोषण महीने के रूप में मनाया गया सितंबर महीना, नाहन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। जीप केडर कर्मचारी के अधिकारियों द्वारा अनिश्चितकालीन पेंटाउन का ऐलान, कर्मचारियों अधिकारियों की विभाग ने विलय करने की रखी मांग, पेंटाउन साइन के चलते कार्य प्रभावी। जिला परिषद काजुर कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान, पंचायत में होने वाले विकास कार्य बाधित, ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन। पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक रैली का किया गया आयोजन, बस अड्डे पर किया गया नुक्कड़ नाटक, एनसीसी कैडेट ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। खोलों में अब आवारा कुत्तों से लोगों को मिलेगी निजात, नगर परिषद ने शुरू किया नसबंदी का काम, मनाली स्ट्रे संस्थान का लिया जा रहा सहयोग। प्रदेश से मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा का बयान, महिला आरक्षण कानून देकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बढ़ाया सम्मान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सराहा। टाडा अस्पताल में 1700 कोविड वॉरियर्स की गई नौकरी, भविष्य की चिंता से परेशान कोविड वॉरियर्स, 3 महीनों तक बढ़ाया गया कार्यकाल, 3 सितंबर को हुआ खत्म। आयुष्मान भव कार्यक्रम को लेकर मेलों का आयोजन, आयुष्मान भव कार्यक्रम को लेकर हो रहा मेलों का आयोजन, लोगों को मौके पर मिल रहा स्वास्थ्य लाभ, साथ ही किया जा रहा लोगों को जागरूक। अपना हिमाचल में भी क्लिप नहीं, नमस्कार।